सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, सुमित चौधरी। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है? 23 जवान लापता हैं, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि लगातार नॉर्थ सिक्किम का इलाका ये वो इलाका है जिसकी हाइट कई जगहों पर 20-30 हजार फीट की ऊंचाई पर है, और कहा यह जा रहा है कि तीसा रिवर के अंदर लांचियन वैली जो इलाका पड़ता है उस पर एकदम से क्लाउड बस्ट होने के बाद पानी बढ़ गया, और उसी के बाद करीबन 15 से 20 फीट तक जो था वो हाई डाउन स्ट्रीम यानी जो पानी का लेवल था एकदम से बढ़ा, और उसी के बाद ये 23 जवान जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कई और व्हीकल्स हैं जो भी बहने की बात कही जा रही है, हालांकि अभी भी लगातार जो बचाव और उनके ढूंढने का काम जारी है। लेकिन अगर तस्वीरें आप देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से पानी का लेवल एकदम से बढ़ा है, कई जगहों पे सड़कों को पानी का लेवल एकदम काट कर ले गया है, और अभी ये देखा जा रहा है कि जहां जहां पर लोग फंसे हैं उनके रेस्क्यू के साथ साथ इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लोगों को निकालने का काम और मिसिंग आर्मी पर्सन जो 23 लोग बताए जा रहे हैं उनको ढूंढने का काम भी किया जा रहा है। बिल्कुल, और यही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, 23 जवान जो लापता है उनको जल्द से जल्द उनके बारे में खोजबीन करना, पता लगाना। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं, सुमित चौधरी, इसके साथ साथ अंजू निर्वाण और रविशंकर दत्ता, जो लगातार इस बड़े हादसे को लेकर इंफॉर्मेशन दे रहे। लेकिन तस्वीर इस वक्त आप देखिए, तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सिक्किम के लोनक झील के ऊपर, बादल फटा लाचुन घाटी में, और इसके बाद सिंगतम इलाका, वहां से हमारे 23 जवान आईटीबीपी और आर्मी के लापता हो गए। तो देखिए, पानी की जो आवाज है वह आप सुन पा रहे हैं, जिस तरह से ये फ्लैश फ्लड आया, यह आवाज सुनकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हालात कितने ज्यादा वहां पर खराब बने। दोनों तस्वीरें आप देखिए, कैसे तबाही आई और इस वक्त का वहां मंजर क्या है, सब कुछ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, क्योंकि ऐसे इलाकों में आपने जाकर दुर्गम इलाकों में रिपोर्टिंग भी की है, आर्मी के साथ भी आप गए हैं, इस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना और सभी जो लापता जवान उनको ढूंढना, ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि नॉर्थ सिक्किम का इलाका बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड का इलाका है। ये वो इलाका है नॉर्थ सिक्किम के जहाँ पर जो कई जगह हाइट है 20,000, आप मानिए कि बंकर पोस्ट हो या फिर केरन हो, ये ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर 20-30 हजार की फीट पर ऊंचाई पर है, और कई जगह पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट बहुत लंबे समय तक ऊपर तक जाती है। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के साथ साथ एक हाइट बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अभी जो कहा जा रहा है कि जो ये पूरा इलाका है ये वो इलाका था जो बरगांव नियर सिंत्रम के पास एक इलाका है, और 23 जवानों के साथ साथ कई गाड़ी के बहने की भी बात कही जा रही है। पूरे इलाके को अगर आप तस्वीरें देखें तो वो कट गया है, वो इलाकों में लगातार पानी एकदम से तेजी से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो आया है उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ आर्मी के जवानों को ढूंढना बल्कि अगर इससे कोई और क्षति तो नहीं पहुंची इसको देखकर भी आकलन किया जा रहा है। बिल्कुल सुमित, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, फर्स्ट ऑन TV9, सबसे पहले TV9 ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह के हालात पैदा हो गए। 4 तस्वीरें आप देखिए, तीसा नदी में जलस्तर बढ़ता है बादल फटने के बाद से, और उसके बाद आप देखिए शहर को किस तरीके से नुकसान पहुँचता है, आसपास के इलाकों को नुकसान पहुँचता है, सड़कों को कितना नुकसान पहुँचता है, और ये भी जानकारी सामने आई है जैसा कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कन्फर्म किया गया, 23 जवान हमारे लापता है। ITBP की 11वीं बटालियन राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। उन जवानों को ढूंढा जा रहा है जो जवान लापता है। तीसा में बाढ़ से बड़े नुकसान का खतरा, ये आशंका जताई जा रही है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी खतरे की आशंका है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए ये क्योंकि ये तीसरा लाचुंग लाचन एरिया में हुआ है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, बहुत हाइट में है, तो डाउनस्ट्रीम जैसे ये पानी नीचे आएगा तो वहां पे भी बाढ़ जैसा सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि लाचन लाचन से डाउनस्ट्रीम जैसे गैंटाको के तीसरा रही है तो वहां पे जो डाउनस्ट्रीम जो पहाड़ी के साइड में जो घर वार है या तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो लोग तीसरा के आसपास जो रहते हैं उनको भी अलर्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है सेवक रोड, सेवक ब्रिज जो है जो कि गैंगटॉक की तरफ जाने के लिए जो ब्रिज है सिलीगुड़ी से, वो ब्रिज को लेकर भी खतरा यहाँ पे बन रहा है क्योंकि काफी पुराना ब्रिज है, नाजुक हालत में है, हालांकि उसके ऊपर से गाड़ी जाता है लेकिन ये बहुत नाजुक स्टेज में है और ये पानी जो आ रहा है मड लेके आ रहा है, इसके साथ और भी कचरा लेके आ रहा है, तो ये कैसे ऐसे करेगा इसको लेके चिंता है। लेकिन ये भी अपने आप में बहुत चिंता की बात है रविशंकर, जिस तरह से खबर आ रही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि ये वो कॉरिडोर है जो वेस्ट बंगाल को नॉर्थ ईस्ट और रेस्ट ऑफ द इंडिया उससे कनेक्ट करता है, रेल नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, अगर इसको नुकसान पहुंचता है तो ये कितनी चिंता की बात। जी बिल्कुल ये चिंता की बात है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वैसा एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ हमारा सिक्किम के तरफ जो कनेक्शन है देश के साथ वो कनेक्ट करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अगर ये बाढ़ के पानी आते हैं और यहाँ पे कुछ इफेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो जान चलाचल होता है उसका कहीं पे इफेक्ट होता है तो नॉर्थ ईस्ट से जो सप्लाईज है वो पूरी तरह बंद हो सकते हैं, तो इसको लेके आर्मी चिंतित है, उससे भी ज्यादा चिंतित है लोगों का जो जान है उसको लेके, क्योंकि आसपास में वहां पे जो छोटे छोटे बस्ती है वो ना बह जाए इसको लेके चिंतित है, इसीलिए आर्मी पहले से वहां उनको अलर्ट कर रही है। शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए, हम लौटते रहेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस तरीके का नुकसान हुआ है, छन छन के वो जानकारियां भी सामने आ रही हैं, जो जानकारी मिली है तीस्ता में आए फ्लैश फ्लड को लेकर, उसमें ये भी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी खतरा है, उस पर भी खतरा बना हुआ है, 23 जवान लापता हैं और साथ ही आसपास के इलाकों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, आर्मी कैंप को भी नुकसान पहुँचा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। आईटीबीपी के जवान, उसकी 11वीं बटालियन जो है वो लगी हुई है रेस्क्यू में, जवानों को ढूंढने में जो लोग लापता हैं। फिलहाल ये तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि हालात कितने भयावह पैदा हो गए थे बादल फटने की वजह से, अभी भी स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। तो ये तस्वीर इस वक्त सिक्किम के हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है क्योंकि 11 आईटीबीपी की बटालियन को लगाया गया है इस सिंगतम इलाके में जहां पर यह हादसा हुआ है। हमारे 23 जवान आईटीबीपी के आर्मी के जिनका कैंप लगा हुआ था वो अचानक से इस फ्लैश फ्लड की चपेट में कैंप आ गया और उसके बाद से हमारे जवान लापता है, काफी दुर्गम इलाका, काफी पहाड़ी का इलाका और उसके बाद से ही अभी हालात काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं और इस वक्त तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लियोनक झील में जो जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर बादल फटा और उसके बाद ये फ्लैश फ्लड